हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ के इस चैनल में। मैं हूं अविनाश। हम लोग यूपी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण के टॉपिक को एक क्रम से पढ़ा जा रहा था। उस क्रम में जो मेरी पिछली वीडियो थी वो महाद्वीप और महासागर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके यूपी टेट में क्वेश्चन तो श्योर बनेंगे ही, साथ में आपका सुपर टेट में भी क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो और सुपर टेट में करीब एक से तीन क्वेश्चन तक बनने के आसार रहते हैं। तो आप उन सारी वीडियो को एक एक क्रम से पढ़ के सबका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप उसी नोट्स को पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आज की जो मेरी टॉपिक है उसका नाम है चट्टान, और इसके बाद एक टॉपिक और है अस्थलाकृतियां। मैं खत्म करके मैं सीधे सीधे आपका पर्यावरण के टॉपिक को टच करूंगा। तो हम जो चट्टान है, चट्टान को जानने से पहले मैं आपको हम सभी भारतीयों के लिए आज एक खुशी का पर्व है जिसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और साथ में एक हिंदुओं का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन। तो उन दोनों त्योहारों के लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं, और भगवान करे आज से आप जो भी शुरुआत किए हैं उससे अच्छा आप शुरुआत करें, जिससे आपका एग्जाम जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा मार्क्स आप गेन कर सके। तो आते हैं चट्टान पे। तो चट्टान के बारे में जानते हैं, चट्टान की परिभाषा क्या होती है। तो धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे जो ठोस पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चट्टान। या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक खनिजों के सम्मिलित रूप से बने चीज को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक खनिज का जो सम्मिलित रूप होता है वही चट्टान होता है। आप इस पॉइंट को ज्यादा याद रखेंगे, दो या दो से अधिक खनिजों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो दोस्त, आज वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया जाता है। तो आप चट्टान में पूरी तरीके से मेरे साथ लगे रहिए और आपका ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो जानते हैं चट्टान से पहले मैं थोड़ा सा कुछ इस टॉपिक को बता दूं। इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी बनाए, और इसमें पृथ्वी पे हमने कुछ क्या है जो है इसकी परत जो होती है किस किस परत के रूप में बांटा गया है, मैं एक एक क्रम से सबको आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर का परत होता है उसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। या भूपर्पटी में जो मतलब तत्व पाए जाते हैं उसका नाम है सियाल। कौन से परत कौन सी तत्व पाए जाते हैं, सियाल। यानी सियाल जो होता है वो सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं मध्य परत। मध्य परत को हम लोग कहते हैं सीमा। सीमा सीमा जो होता है वो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक परत। आंतरिक परत ये किसका बना होता है, इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, नीफे। इट मीन्स निकेल और फेरस। तो आपके भूपर्पटी में सियाल और मध्य परत में सीमा और आंतरिक परत में नीफे पाया जाता है। इसका और देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो आपके भूपर्पटी है इसको अब यहां से देखा जाए कि ये वाला जो है आपका पूरा सियाल होता है, और ये वाला जो पूरा अस्तर होता है यहां से यहां तक ये होता है सीमा होता है, और जो बीच का मध्य का क्रोड होता है उसे हम क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। और इनकी कुछ ऊंचाइयां दी रहती हैं, यानी पृथ्वी तल पे कुछ जो है इनकी कुछ न कुछ मोटाइयां होती हैं। तो कितनी मोटाइयां होती है भूपर्पटी की, तो 0 से 35 किलोमीटर। यानी अगर आप पृथ्वी को खोदना शुरू करिए, मतलब गड्ढा करना शुरू करिए, तो अगर आप 35 किलोमीटर तक जाते हैं तो भूपर्पटी होता है, और उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। और सिलिकॉन और एल्युमिनियम को आप याद रखेंगे सियाल। सियाल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। एक इंपॉर्टेंट चीज यही बता रहा हूं, आप उसको नोट जरूर करिएगा कि कितने तत्व से मिलकर हमारी पृथ्वी बनी है। तो हमारी पृथ्वी जो है 8 तत्व से, मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर बनी है।
पूछा गया है कि सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा है, यानी पृथ्वी का जो रूप है उस रूप में सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा है। तो आप यहीं पे इसको तैयार करेंगे, किसका मात्रा है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दैट मीन्स O2 कितना परसेंट है, 46%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसके लिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करार दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, तो वो है ऑक्सीजन। सेकेंड नंबर पे किस तत्व की मात्रा है, तो सेकेंड नंबर पे जो तत्व की मात्रा होती है उसे बोलते हैं सिलिकन। और सिलिकन आप शायद देख भी रहे हैं, सिलिकन का जो है वो SI सिंबल होता है, SI देख रहे हैं ऊपर मिल रहे हैं, और इनकी जो है लगभग जो है वो 27%। और लास्ट में जो होता है किसका और मात्रा है, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है Al, इट मीन्स 8%। उसके बाद भूपर्पटी का जो मैंने बता दिया कि 0 से 35 किलोमीटर तक, उसके बाद मध्य परत जो होता है वो 35 से 2875 किलोमीटर, और 2875 से लेके लगभग 6379 इतना किलोमीटर, तो 2875 से लेके ये जो है आपका 6379 किलोमीटर का जो होता है ये नीफे होता है, और 35 से लेके 2800 के बीच में जो होता है वो आपका सीमा होता है, इट मीन्स मध्य परत होता है, और 0 से 35 जो होता है किलोमीटर होता है भूपर्पटी, या उसको हम लोग कहते हैं सियाल कहते हैं। तो आप तीन नाम याद रखेंगे, सियाल, सीमा, नीफे। सियाल में कौन, सियाल, सियाल मतलब सी से शुरू करेंगे, तो जो स है उससे सिलिकन बना है, और आल, आल मतलब एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, सियाल, सीमा, सिलिकन, मैग्नीशियम, नीके मतलब निकेल, और या फ से मतलब फेल्स, इस तरीके से आपके बने हुए हैं। ठीक है, इतनी क्वेश्चन थी। अब मैं चट्टान पे सीधे से जाता हूं कि चट्टान से और क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन तो देखते हैं। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले चट्टान, कितने प्रकार के चट्टान होते हैं, तो चट्टान आपके तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, औसादी चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। तो एक एक क्रम से डिस्कस करेंगे। एक यहां पे पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो औसादी चट्टान जो होती है पूरे जितना भूभाग है उसमें लगभग 75% किस चट्टान की मात्रा है, तो वो औसादी चट्टान की मात्रा है। यानी तो आप किस चट्टान की मात्रा सर्वाधिक बताएंगे, औसादी चट्टान की मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है, अब एक एक क्रम से डिस्कस करते हैं। आग्नेय चट्टान, तो अभी देखते हैं कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है। तो आग्नेय चट्टान जो होती है वो क्या होती है, ज्वालामुखी के लावा या मैग्मा का जब धरातल पे फैल जाता है या धरातल के क्षेत्रों पे पूरी तरीके से बिछ जाता है, तो किस चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। यानी जब क्या होती है, ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तो उस विस्फोट के पश्चात कुछ तरल पदार्थ जिसे लावा या मैग्मा कहते हैं वो निकलता है, और वो निकल के क्या करता है, आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरीके से फैल जाता है। तो उसे हम किस चट्टान के नाम से जानते हैं, उसे आग्नेय चट्टान का नाम भी इसी से शुरू हुआ है। आग्नेय का मतलब अग्नि से लिया गया है, तो अग्नि यानी ये एकदम इसको बोलते हैं वो होता है, यानी जलता हुआ धात्विक तरल पदार्थ होता है, जलता हुआ धात्विक तरल पदार्थ जो होता है वो आग्नेय चट्टान, और उन्हीं का जब होता है वो कड़ा हो जाता है, यानी जम के ठंडा होके जम जाता है, तो उसे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं किससे मिलके बना है, ये धात्विक तरल, धात्विक तरल पदार्थ के ठंडा होने से, किस चट्टान का निर्माण हुआ है, धात्विक तरल पदार्थ के ठंडा होने से किस चट्टान का निर्माण होता है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसके बारे में दो फैक्ट है जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो दोनों फैक्ट कौन है, तो आप बहुत ध्यान रखिएगा, मैं उसको फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ जाएगा। ये आपका सतह है और ये आपका ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से जब धात्विक तरल पदार्थ बाहर निकलता है, तो कभी कभी क्या होता है, ये धात्विक तरल पदार्थ तो बाहर निकल जाता है
और कभी कभी धात्विक तरल पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है, तो जब निकल जाता है तो वो उसका क्षेत्र जब आसपास के क्षेत्रों में फैलता है तो उसे हम लोग कहते हैं, कौन सा अग्नि चट्टान का नाम देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेसाल्ट। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। और जब कभी धरातल के अंदर ही ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है और उसके अंदर क्या होती है, ये तरल मैग्मा जो होता है फैल के ठंडा होके कड़ा होके चट्टान बना लेता है, तब इस चट्टान का नाम देते हैं हम लोग कौन सा, ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान होती है, यानी भूगर्भ यानी धरातल के नीचे अगर ज्वालामुखी के विस्फोट होने के पश्चात जो तरल धात्विक तरल पदार्थ का जो क्षेत्र फैल जाता है और ठंडा होने के बाद जब वो चट्टान का रूप ले लेता है तो उसे कौन सा चट्टान बोलते हैं, उसे ग्रेनाइट चट्टान बोलते हैं। और जब यही क्या होता है धरातल के ऊपर आने के बाद फैल जाता है तो उसे हम कौन सा चट्टान का नाम देते हैं, बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, आगे अब देखते हैं आग्नेय चट्टान के, आग्नेय चट्टान हो गया, आग्नेय चट्टान के कौन कौन से नाम है, तो आप नाम जरूर याद रखेंगे आग्नेय चट्टान का, तीन नाम मैं बता रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका, यही है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो। दोस्त एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और प्लीज आप उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि उससे मेरा मनोबल काफी बढ़ता है, मुझे आप लोगों के लिए कुछ और करने का भी मन करता है, एक्स्ट्रा काम मुझे करना तब मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि जब आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलती रहेगी। तो प्लीज दोस्त अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू आपके साथ रहूं, मैं लगातार आपके लिए वीडियो डालता रहूं, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस क्वेश्चन का मैं जो भी क्वेश्चन पूछा करूं उसका जवाब आप जरूर दिया करिए, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इतना आप जरूर मेरे लिए करिए, बाकी आप कुछ करिए चाहे ना करिए फिलहाल मेरे लिए इतना जरूर करिए, मुझे इससे एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आप मेरे साथ खड़े हैं, तो आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए एक क्या एक दिन में दो दो वीडियो तीन तीन वीडियो में अपलोड करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे साथ पहले इस तरीके से खड़े हुए। तो मेरा आज का मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि दो क्वेश्चन है, अगर आपने सौरमंडल को और वायुमंडल को पढ़ा होगा तो उन्हीं से मैं क्वेश्चन एक पूछता हूं कि वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन सा है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोनों क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन मंडल कौन सा है और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इस दोनों क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आग्नेय चट्टान के मैंने आपको नाम बता दिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो, ये तीन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है थोड़ा सा कुछ इसके बारे में थोड़ा सा डीप जान लेते हैं, चीजें क्या होती है डीप में जाने रहेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे ग्रेनाइट चट्टान है, तो ग्रेनाइट चट्टान जब क्या होता है कि अंदर ही विस्फोट हो जाता है यानी जमीन के अंदर, तो आप पहली बात ये जानते होंगे किस चट्टान का उससे निर्माण होता होगा, उससे ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। अगर ग्रेनाइट चट्टान की जब विस्फोट हो जाते हैं और वो उसकी संरचना एक गुंबद की तरह हो जाती है, यानी आपकी संरचना किसकी तरह हो जाए, गुंबद की तरह हो जाए, यानी गुंबद की तरह संरचना बना लेती है, इसको हम नाम देते हैं क्या, बैको लिथ। क्या नाम देते हैं, वैको लिथ। जब क्या होती है यानी ज्वालामुखी का विस्फोट धरातल के नीचे हो जाता है और उसकी संरचना एक गुंबद की तरह चट्टान का रूप ले लेती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैको लिथ बोलते हैं। सेकंड, अगर यही चट्टान यानी ये जो होती है चट्टान यानी ग्रेनाइट चट्टान अंदर जो होता है अगर इस तरीके से यानी इस तरीके का रूप ले लेती है यानी इस तरीके का, अब देखते रहिएगा इसको ध्यान से देखेंगे समझ जाएगा, इस तरीके का अगर रूप ले लेती है यानी छतरी नुमा या मेहराब, नाम याद रखेंगे छतरी नुमा या मेहराब जैसी आकृति ले लेती है तो इसको हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ, यानी आसपास ये धरातल है, धरातल के अंदर ये चट्टान किस तरीके से ये बाहर निकलना चाह रही थी लेकिन बाहर निकलने से पहले ही यही इसका क्या होगा, विस्फोट हो गया और यहां पे फैल हो गई, तो ये जो आपकी इस तरीके से आकृति बन गई जिसको क्या कहते हैं, ये हम लोग ये कह सकते हैं, इस आकृति को हमने अभी बताया आपको कौन सा नाम बताया था उसका,
कि अगर ये मेहराब और मेहराब की जैसी आकृति बन जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैकोलिथ बोलते हैं। और सपोज दैट अगर इसी में आकृति कुछ ऐसे निकल के चले आए, लहरदार आकृति निकल के ऐसे चले आए, तो इस आकृति को हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। यानी अगर आपकी लहरदार आकृति यानी ज्वालामुखी के विस्फोट में अगर लहरदार आकृतियां बन जाती हैं तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, फैकोलिथ। अगर अंदर विस्फोट होने के बाद एक गुंबद की संरचना बना लेती है तो उसे हम बोलते हैं वैकोलिथ। और अगर वो क्या होता है कि एक मेहराब और या इस तरीके का आकृति बना लेता है यानी मशरूम जैसी आकृति बना लेता है तो उसे मशरूम या छतरी के आकार की आकृति बना लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैकोलिथ बोलते हैं। तीनों का नाम याद रखेंगे, फैकोलिथ, बैकोलिथ और लैकोलिथ, तीनों का नाम याद रखेंगे, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, ठीक है। और इस सारे दोस्त एक चीज आपसे है कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, काफी मार्क्स जो है 120 प्लस का अगर आप लाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे बताए हुई चीजों का आप नोट्स बनाइए। ये मेरा विश्वास है आपका 120 प्लस मैं ला के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है कि आप सिर्फ मेरे साथ मेहनत करिए। जितनी चीजें मैं नोट्स आपको डेली प्रोवाइड कराता हूं उस सारे नोट्सों को आप डेली का डेली पढ़ा करें और फिर उसका नोट्स बनाया करें, आपका ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आते हैं आग्नेय चट्टान के गुण देख लेते हैं। तो पहला इसका गुण जो होता है ये कठोर चट्टान होती है, यानी कैसी चट्टान होती है, कठोर चट्टान। क्योंकि कठोर चट्टान होने का क्या मतलब होते हैं, जब कोई गर्म धात्विक तरल पदार्थ होता है अचानक जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी जो आकृति हो जाती है, यानी कोई भी जो होता है गर्म जो होती है चट्टान होती है वो जब ठंडी हो जाती है तो उसकी आकृति क्या होती है, जम के एकदम कड़ी हो जाती है, तो उससे किस चट्टान का निर्माण होता है, उससे कठोर चट्टान का निर्माण होता है। यानी तो हम ये कह सकते हैं आग्नेय चट्टानों चट्टान कैसी चट्टान होती है, इसे बोलते हैं कठोर चट्टान कहते हैं। दूसरा इसका पॉइंट ये होता है जीवाश्म रहित, कैसी चट्टान ये, जीवाश्म रहित होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टान होती है जब क्या होती है कि आसपास के क्षेत्रों में फैलती है तो आसपास के जो जीव या वनस्पति हैं उनको पूरी तरीके से जलाकर नष्ट कर देती है, जिसके कारण इसके अंदर ना तो जीव ना तो दब पाते हैं और ना तो उसके उनकी जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होती है वो उनमें रह पाती है। इसलिए कैसी चट्टान होती है, ये जीवाश्म रहित होती है, ठीक है। तीसरा जो होता है इसमें धात्विक, इसमें क्या होता है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, धात्विक खनिज जैसे सोना चांदी और निकिल मैग्नीज अभ्रक जस्ता, इतने जो है आपके बहुमूल्य धातुएं जो होती हैं वो किस चट्टान के अंतर्गत पाई जाती है, तो जितने भी आपके बहुमूल्य धातुएं हैं सभी आपके आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही पाई जाती हैं, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया वो भी देख लेते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, तो उस पॉइंट का नाम है ये रवेदार चट्टान होती है, कौन सा है इसे लिख रहा हूं, ये कैसी चट्टान होती है, ये रवेदार चट्टान होती है। दैट्स मीन्स रविदार चट्टान का क्या मतलब होता है, रविदार चट्टान का मतलब होता है कि इसमें आप रविदार को समझ, इसमें क्या होता है छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसका मतलब आपको इसको समझना है तो आप इस समझ सकते हैं, एक होता है पाउडर होता है और एक होता है नमक होता है, तो जो नमक होते हैं वो देखेंगे उनको तो उनमें छोटे छोटे क्या होते कण पाए जाते, छोटे छोटे क्या होते कड़ पाए जाते, तो वो जो होती है आग्नेय चट्टान में रविदार होती है, अर्थात इसमें छोटे छोटे कड़ पाए जाते हैं, जैसे बालू, बालू क्या है इसी चट्टान का क्या है, बालू का आप ये कह सकते हैं कि जो कठोर चट्टाने होती हैं वो इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उनको पीटने पे यानी उनको तोड़ने पे वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, पीस नहीं जाती है, तो उनमें कौन सी चट्टान में आती है, ये रविदार चट्टानों में होती है, ठीक है। अब आग्नेय चट्टान के बाद मैं दूसरी चट्टान की बात करता हूं, तो उस चट्टान का नाम है औषादी, औषादी या
परतदार चट्टान, औषधि या परतदार चट्टान। और इस इससे क्या होता है, इसी चट्टान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं, ये चट्टान पूरे आपके धरातल पे सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 75% की मात्रा इन्हीं की है, औषधि चट्टान की है। इनकी विशेषता के बारे में चलते हैं। तो इनकी विशेषता जो है, पहली इनकी विशेषता ये है कि ये परतदार चट्टान होती है, पहला पॉइंट यही नोट कर सकते हैं इसकी, ये परतदार, ये परतदार चट्टान होती है, अर्थात इसमें क्या होती है, परतें पाई जाती हैं, अर्थात इसमें क्या होती है, परतें पाई जाती हैं, एक परत के ऊपर दूसरी परत क्या करती है, पाई जाती है। यानी जब आपका आग्नेय चट्टानों का विखंडन होता है और विखंडन होने के पश्चात जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम औषधि चट्टान कहते हैं। हाँ, यानी औषधि या परतदार चट्टान क्या होती हैं कि जब आग्नेय चट्टानों का विखंडन होता है और वो क्या करती हैं, टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं और एक परत के बाद दूसरी परत उस पर आ जाती है। जैसे क्या होता है, पहले कुछ समय विखंडन हुआ तो उससे क्या हुई, चट्टाने किसी दूसरे जगह पे जाकर निक्षेपित हो गए, उसके बाद कुछ समय के बाद फिर उसी आग्नेय चट्टान का विखंडन हुआ और उसके ऊपर से तब तक उस पर क्या हुआ था, जो निक्षेपित हुई थी उसपे पेड़ पौधे जीव जंतु सब रहने लगे। अचानक फिर उसका जब निक्षेपण हुआ तो वो जो हुए पेड़ पौधे जीव जंतु सब उसके नीचे क्या हुए, दब गए। तो एक परत नीचे वाली परत और एक परत उसके ऊपर वाली, इसको हम क्या नाम देते हैं, परतदार चट्टान। दूसरा इसके बारे में, अब उसके नीचे पेड़ और पौधे दब चुके हैं तो ये क्या होता है, जीवाश्म युक्त चट्टान। क्या होता है, ये जीवाश्म युक्त चट्टान पाए जाते हैं। तीसरा क्या होता है, इसमें खनिज तेल एवं कोयला, सॉरी ये ऐसे लिख सकते हैं, अधात्विक खनिज, तेल एवं अधात्विक खनिज किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो खनिज तेल और अधात्विक चट्टान जो होती है औषधि या परतदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आपके खनिज तेल है या अधात्विक चट्टान है उसके अधात्विक खनिज होते हैं वो परतदार चट्टानों में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो इनमें परतें होती हैं तो ये जो होती हैं पेड़ पौधे जो उसके नीचे दब जाते हैं, तो ये सब आपका जो खनिज तेल है या अधात्विक खनिज है सब जीवाश्म से मिलकर बनते हैं। जीवाश्म यानी पेड़ पौधे के दबने के बाद जो जीवाश्म बन चुके हैं वहीं से हम क्या करते हैं, खनिज तेल। यानी इसका मतलब आप सीधे सीधे किससे लगा सकते हैं, पेट्रोलियम, क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम पदार्थ, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पेट्रोलियम पदार्थ किस चट्टान में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है वो औषधि प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और एक पर एक इसका और पर, हाँ इसके बाद अधात्विक खनिज में क्या नाम ले सकते हैं, ज्यादातर कोयला। कोयला कहाँ, तीन घाटी का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दामोदर नदी घाटी गोदावरी नदी घाटी और जो आपका महानदी नदी घाटी, इन सब में जो होता है, इन सब में से जो कोयला निकाला जाता है वो वहां पे औषधि और या परतदार प्रकार के जो चट्टाने हैं उन्हीं से निकाला जाता है। यानी दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी और महानदी घाटी में कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं, तो औषधि प्रकार की चट्टाने पाई जाती है और वहां से कोयला निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद औषधि चट्टानों के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से नाम है तो लिख लेता हूं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, और आप इसके बाद लिख सकते हैं वो शैल, उसके बाद लिख सकते हैं नमक के चट्टान। इतने आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये सब आपके औषधि प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है।
अब एक चट्टान और बच गया है, उसका नाम है रूपांतरित या कायांतरित। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रूपांतरित और कायांतरित खत्म होने के बाद मैं कुछ एक लिस्ट दूंगा, आप उस लिस्ट को जरूर याद रखें क्योंकि लिस्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो लिस्ट मैं लास्ट में एकदम दे रहा हूं क्योंकि रूपांतरित चट्टानों का ही जो रूप बदलता है उसी को उस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो रूपांतरित चट्टाने क्या होती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ये क्या होता है, जब आग्नेय या औषधि प्रकार के चट्टानों में क्या होता है, ताप और दाब के कारण जो परिवर्तन होता है, यानी आग्नेय और औषधि प्रकार के चट्टानों में ताप दाब के परिवर्तन के पश्चात जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने कहते हैं। ठीक है, अब मैं लिस्ट दे रहा हूं, और रूपांतरित या कायांतरित हमेशा क्या होते हैं, आग्नेय चट्टानों से भी बनती है और सादी चट्टानों से बनती है, और कायांत्रिक चट्टानों या रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण होता है। तो उनमें किनमें किनमें होता है, आप उनको उनका मैं लिस्ट ले रहा हूं, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। पहले आग्नेय का लिख लेता हूं, आग्नेय का नाम कौन कौन है, सबसे पहला जो नाम है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो, उसके बाद जो आपका है कौन सा है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेबो, और एक आपका लिख सकते हैं बिटुमिनस कोयला। तो बेसाल्ट हमेशा किसमें बदलता है, बेसाल्ट हमेशा बदलता है सिस्ट में, ग्रेनाइट हमेशा बदलता है नीस में, और ग्रेबो बदलता है सरपेंटाइन में बदलता है, और बिटुमिनस कोयला हमेशा बनता है ग्रेफाइट में। ये नाम आप चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रिक भी बता रहा हूं। बेसाल्ट में 100 आ रहा है, 100 से सिस्ट बन रहा है, ग्रेनाइट में सेकंड अच्छा 9 आ रहा है, 9 से नीस बन रहा है, ग्रेबो का आप याद कर लीजिएगा, ग्रेबो का होता है सरपेंटाइन, और आप एक चीज जान लीजिएगा कोयला से हमेशा ग्रेफाइट बनता है और ग्रेफाइट से हमेशा क्या बनता है, हीरा बनता है। तो ये क्रम आप ऐसे याद कर, कोयला के क्या है सब वो है यानी कार्बन के अपर रूप है, तो कोयला से ग्रेफाइट और ग्रेफाइट से हीरा। ठीक, फिर अब औषधि में आते हैं, औषधि वाला काफी इंपॉर्टेंट है, औषधि वाला सारा याद रखेंगे। पहला जो होता है चूना पत्थर, दूसरे का नाम है बलुआ पत्थर, तीसरे का नाम है डोलोमाइट, और चौथे का नाम जो है उसका नाम देते हैं शैल। यानी चूना पत्थर हमेशा बनता है संगमरमर में, और बलुआ पत्थर बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वार्टजाइट में, डोलोमाइट बनता है संगमरमर में, शैल बनता है हमेशा स्लेट में, शैल हमेशा किस में बनता है, स्लेट में बनता है, और एक और इसका नाम याद रखेंगे लिग्नाइट कोयला बनता है किसमें, एंथ्रासाइट कोयला, यानी ये याद रखेंगे चूना पत्थर संगमरमर में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, डोलोमाइट संगमरमर में, सैल स्लेट में, लिग्नाइट कोयला किसमें बनता है, एंथ्रासाइट कोयला में बदलता है। एक क्वेश्चन यहां पे कंफ्यूजन ये बन सकता है कि बिटुमिनस कोयला है वो ग्रेफाइट में बदल रहा है जबकि इधर लिग्नाइट जो कोयला है वो एंथ्रासाइट में बदल रहा है। तो आपको हमेशा कोयले के लिए याद रखना है कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो औषधि प्रकार के चट्टानों में ही पाया जाता है। एक ये याद रख लीजिए बिटुमिनस कोयला किस में बदलता है, ग्रेफाइट में। अब मैं थोड़ा सा बस आपको सिर्फ यानी रूपांतरित और कायांतरित का ही बता दे रहा हूं। तो रूपांतरित और कायांतरित में जो आपका रूपांतरित है वो स्लेट किसमें बदलता है, फाइलाइट में बदलता है, और फाइलाइट किस में बदलता है सिस्ट में। बस इतना तक याद रखेंगे। और एक और है ग्रेफाइट किस में बदलता है, ग्रेफाइट आपका हीरा में। ठीक, इतना आप पॉइंट को याद रखेंगे। ये आपके किसके हैं, इसको बोलते हैं रूपांतरित का है, ये किसका है नाम, ये रूपांतरित मैंने लिखा है। तो रूपांतरित और या कायांतरित चट्टानों के हैं। तो इस तरीके से आपका जो चट्टान है वो लगभग पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है,
और चट्टान से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो इतनी चीजों को आप अच्छे समझ लीजिए, इसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा, आपका नोट से तैयार हो जाएगा और साथ में आप अच्छा नंबर गेन भी कर पाएंगे। थैंक यू, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक भी करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।